सही है। ओके, इसके अलावा ये जो डीएनए होता है, डीएनए पे क्या होते हैं सेक्शंस, देयर आर सेक्शंस ऑन द डीएनए, इन सेक्शंस को क्या बोलते हैं, मतलब डीएनए पे डिफरेंट लेंथ के सेक्शंस होते हैं, जैसे यहां से लेके यहां तक एक सेक्शन होगा, फिर दूसरा सेक्शन फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक, तीसरा सेक्शन ये हो गया, दिस इज फोर्थ सेक्शन। तो डीएनए पे देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑफ वेरिंग लेंथ, इन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जीन्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन हो गया। तो देर आर सेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ, वेरिंग लेंथ, तो इन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी जीन ए, फॉर एग्जाम्पल दिस दिस कुड बी जीन ए, देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑन द डीएनए, दिस इज जीन ए फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जीन बी एंड दिस इज जीन सी। तो एग्जैक्टली हाउ डू वी डिफाइन अ जीन, जीन को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन अ जीन, यस, व्हाट इज अ जीन, इट इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए और वी कैन से लेंथ ऑफ डीएनए विच कोड्स और गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द सेल टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोटीन। समझ में आ गई बात। तो ये जीन क्या होता है, जीन डीएनए पे एक सेक्शन होता है ऑफ वेरिएबल लेंथ, ठीक है, आप आइडिया नहीं लगा सकते इस लेंथ का, यानी ये तो आपको सारे जीन्स देखने पड़ेंगे ना, और आपका वो लेवल नहीं है। तो जैसे एक बच्ची ने मुझसे पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि हाउ डू यू फाइंड आउट दिस लेंथ, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ ईशर, ठीक है, यू जस्ट नो व्हाट इज अ जीन, यू जस्ट शुड नो व्हाट इज अ जीन। जीन क्या होता है कि एक सेक्शन है डीएनए पे, सही है, एंड ये जो सेक्शन होगा ना, इस सेक्शन में इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कोड्स होते हैं जो सेल को देता है डीएनए। डीएनए क्या करता है कि सेल को इंस्ट्रक्शंस देता है प्रोटीन बनाने के लिए ना। तो अब डीएनए पे फॉर एग्जांपल जो जीन डी है वो सेल को इंस्ट्रक्शन देगा टू मेक अ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन डी। हर जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू माई स्टूडेंट्स, यस, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कैन दे टेल मी माई निमोनिक, हाउ डू एक्सप्लेन दिस, यस, कुछ पुराने स्टूडेंट्स को याद है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली मैं डीएनए को क्या कहता हूँ, आई कॉल डीएनए एज अ रेसिपी बुक एंड आई कॉल जीन रेसिपी एंड आई कॉल प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल अ डिश और अ कुजीन। सही है। तो होता ये है सिंपली कि अगर मुझे बिरयानी बनानी है, सही है, सो व्हाट शुड आई डू, मुझे बिरयानी बनाना नहीं आती, ठीक है ना, तो अगर मुझे बिरयानी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, घर पे कोई भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल माई मॉम कुक्स फॉर मी एंड इफ शी इज नॉट देयर, तो मैं क्या करूँ, आई रियली वॉन्ट टू ईट बिरयानी, ऑर्डर नहीं कर सकता मैं, ठीक है, तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड पिक अप अ रेसिपी बुक, सर्च फॉर द रेसिपी ऑफ बिरयानी एंड कुक बिरयानी माई सेल्फ, राइट, ऐसा ही है ना। तो जो रेसिपी बुक मैं खोलूंगा और उसमें मैं बिरयानी की रेसिपी ढूंढूंगा, तो मुझे बिरयानी की रेसिपी में क्या मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन मिलेंगे ना, जिससे मैं क्या बनाऊंगा, बिरयानी। तो समझो मैं सेल हूँ, आई एम अ सेल, आई डोंट नो हाउ टू मेक और
वॉट प्रोटीन टू मेक, ठीक है ना, मतलब मुझे, चलो मुझे पता है मुझे कौन सा प्रोटीन बनाना है, जैसे मुझे पता था मुझे बिरयानी बनानी है, तो फॉर एग्जाम्पल सेल चाहता है कि वो कौन सा प्रोटीन बनाए, गिव मी एनी एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटीन, तुम लोगों ने बहुत सारे प्रोटीन्स पढ़े हैं ओ लेवल्स में, मुझे कोई एग्जाम्पल दो प्रोटीन की, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या व्हाट एल्स, कोलेजन, चलो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल को हीमोग्लोबिन बनाना है, ठीक है, चलो एंजाइम भी प्रोटीन्स होते हैं लेकिन बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स है ना, हम सोचो सेल को हीमोग्लोबिन बनाना है, तो जब सेल को हीमोग्लोबिन बनाना होगा तो वो कैसे बनाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनाने के इंस्ट्रक्शंस होंगे कहाँ पे, डीएनए पे, यानी डीएनए पे खैर सिर्फ हीमोग्लोबिन बनाने के इंस्ट्रक्शंस नहीं है, डीएनए पे बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने के इंस्ट्रक्शंस है, डीएनए पे, डीएनए इज लाइक अ रेसिपी बुक, ठीक है ना, कि डीएनए पे बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स बनाने के इंस्ट्रक्शंस है, और जीन जो होता है वो क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रेसिपी बुक खोलता हूँ तो मुझे बहुत सारी रेसिपीज मिलती हैं, मुझे पास्ता की रेसिपी मिलेगी, मुझे बिरयानी की रेसिपी मिलेगी, मुझे फॉर एग्जाम्पल कस्टर्ड बनाने की रेसिपी मिलेगी, मुझे जो है वो इसके अलावा पास्ता बनाने की रेसिपी मिलेगी, तो इसी तरह जीन पे, डीएनए पे बहुत सारे जीन्स हैं, हर जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, तो अगर सेल को हीमोग्लोबिन बनाना है तो सेल कौन सा जीन एक्टिवेट करेगा, डीएनए पे बहुत सारे जीन्स हैं, सेल स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन का जीन एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और वो जो जीन होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा सेल को कि हीमोग्लोबिन कैसे बनाना है, समझ में आई बात, इसी तरह मुझे बिरयानी बनानी थी, मैंने रेसिपी बुक खोली, बिरयानी की रेसिपी सर्च की, वहां से इंस्ट्रक्शन लिया और बिरयानी बनाई, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डीएनए क्या होती है, रेसिपी बुक, जैसे जब हम डीएनए, जब हम रेसिपी बुक खोलते हैं हमें बहुत सारी अलग अलग डिशेज की रेसिपीज मिलती हैं, इसी तरह डीएनए पे देयर आर अ लॉट ऑफ जीन्स विच प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स, जीन क्या है, एक पर्टिकुलर रेसिपी है, जैसे हेमोग्लोबिन जीन, इसके लिए इंस्ट्रक्शन देगा हेमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे बिरयानी की रेसिपी बिरयानी बनाने के इंस्ट्रक्शन देगी, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये, कि हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, आई कॉल डीएनए एज अ रेसिपी बुक, ठीक है, बिकॉज जस्ट लाइक रेसिपी बुक कंटेन्स अ लॉट ऑफ रेसिपीज, डीएनए कंटेन्स अ लॉट ऑफ जीन, समझ में आ रही है बात, एक रेसिपी बुक होती है ना, उस रेसिपी बुक के अंदर क्या होती है, बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, इसी तरह डीएनए कंटेन्स अ लॉट ऑफ जीन्स, जस्ट लाइक ईच रेसिपी गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर अ पर्टिकुलर डिश, ईच जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, और व्हाट इज अ जीन, ईच जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर और कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे चार जीन्स मैंने लेबल किए, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, दे आर ऑफ वेरिएबल लेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ ना, बिरयानी के इंस्ट्रक्शंस लंबे चौड़े, ठीक है, हो सकता है पास्ता के इंस्ट्रक्शन शॉर्ट हो, तो सबके इंस्ट्रक्शंस शॉर्ट हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है रेसिपी पे ना, डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोटीन बना रहे हो, ठीक है, तो जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा उसके इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी जीन की, जो प्रोटीन सिंपल होगा उसके इंस्ट्रक्शन कम होंगे, बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है, तो ईच जीन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, यू शुड रिमेंबर दैट, आई होप अब तुम्हें याद रहेगा सारी जिंदगी कि जीन की डेफिनेशन क्या होती है, अब हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल्स द ग्रोथ द रिपेयर एंड द मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो न्यूक्लियस से कैसे कंट्रोल करता है, ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स, ठीक है, अगर सेल ग्रो कर रहा है तो उसे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, ठीक है, अगर सेल रिपेयर कर रहा होता है तब भी उसे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए कौन से प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स, ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें, तब तुम्हें समझ में आया कि न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करता है, यानी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है, डीएनए पे जीन्स हैं, जीन्स एक्टिवेट होंगे प्रोटीन्स बनेंगे तो ग्रोथ होगी, सही है, सेल डैमेज हो चुका है सेल को रिपेयर करना है, रिपेयर के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल करता है रिपेयर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स हैं, जीन्स एक्टिवेट होंगे प्रोटीन्स बनेंगे तो रिपेयर होगी ना, न्यूक्लियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाना है फॉर एग्जांपल,
है, और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करेगा डीएनए पे, वो जीन उस एंजाइम के लिए इंस्ट्रक्शन देगा और सेल में वो एंजाइम बनेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि न्यूक्लियस ये सारी एक्टिविटीज कैसे कंट्रोल करता है, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ पे लिखते हैं इसको, न्यूक्लियस कंट्रोल्स controls growth because it contains DNA. DNA contains genes. Genes give instructions for proteins required for growth. ठीक है। अच्छा सेल जो है, मुझे बताओ कि सेल की कितनी परसेंटेज प्रोटीन से बनी हुई होती है। सेल की कॉम्पोजिशन तुम लोगों को पता है कि सेल की कॉम्पोजिशन क्या है, कि ओलेवस में बताया जाता है कि सेल की कॉम्पोजिशन क्या है। यस, एनी आइडिया, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल? सेल जो है इट इज सेवेंटी टू 90% वो वाटर होता है। पहले 70-90% वाटर एंड इसके अलावा इस 20% प्रोटीन। ठीक है, और इसके अलावा जो 10% बचता है ना, अगर वाटर 70% है, यूजुअली 70% ही होता है वाटर, 20% प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा जो बचता है वो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑल। ठीक है, तो सेल जो है उसको अगर ग्रो करना है तो उसे प्रोटीन्स चाहिए होंगे, पानी चाहिए होगा, पानी तो मिल रहा है उसको और साथ में उससे क्या चाहिए, प्रोटीन। तो न्यूक्लियस जो है वो ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करता है, बिकॉज न्यूक्लियस हैज डीएनए, डीएनए हैज जीन्स, जीन्स के इंस्ट्रक्शन structures for proteins which are required for growth. इसके अलावा nucleus और क्या करते हैं, nucleus controls repair of cell. अच्छा ये क्या है, growth of cell है, ठीक है ना, न्यूक्लियस कंट्रोल्स रिपेयर ऑफ सेल बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए, डीएनए कंटेन्स जीन्स, जीन्स गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर। यानी ऑब्वियसली लोगों ने टर्म सुना है प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोप्लाज्म? Yes, what is meant by protoplasm? Living matter of the cell. जो actually मैंने यहाँ पे लिखा है ना cell, मैं कह रहा हूँ cell बना हुआ है 70-90% water से, 20% protein से, तो actually cell को हम protoplasm भी कह सकते हैं। We can call cell as a protoplasm as well, क्योंकि cell में जितना भी living matter होता है वो protoplasm होता है। ठीक है, तो अगर cell को grow करना है तो नया protoplasm चाहिए होगा, और cell को repair करना है तब भी नया protoplasm चाहिए होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है concept ये? Protoplasm is basically the living matter of the cell. सही है, ये बात क्लियर हो गई। प्रोटोप्लाज्म मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? लिविंग मैटर ऑफ द सेल। एंड ऑब्वियसली दिस इज मेड अप ऑफ 70-90% water and 20% protein. ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली जब सेल को ग्रो करना है, जब सेल को रिपेयर करना है, तो उसे नया प्रोटोप्लाज्म चाहिए होगा, और नया प्रोटोप्लाज्म
बनाने के लिए जो है वो प्रोटीन्स चाहिए और पानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं न्यूक्लियस, और क्या करते हैं न्यूक्लियस? कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, राइट। तो यहां पे मेंशन करेंगे कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए, डीएनए कंटेन्स जीन्स, जीन्स कोड फॉर प्रोटीन विच आर एंजाइम, एंजाइम्स कैटलाइज मेटाबॉलिक, कैटलाइज का मतलब क्या होता है? स्पीड अप मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियस मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, डीएनए कंटेन्स जीन्स, जीन्स कोड फॉर प्रोटीन्स विच आर एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स एक्चुअली स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे सेल में एंजाइम्स के बगैर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो होंगे तो वो बहुत स्लो होंगे, ना होने के बराबर होंगे वो, ठीक है। तो एंजाइम्स उन्हें स्पीड अप करते हैं, इसलिए एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन और एवरी केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द सेल।